नमामि गंगे घाट जो कि सुल्तानगंज का घाट है, मस्त सजाया गया है, देख रहे हो। पहले आप सभी को हर हर महादेव और श्रावण की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, तो आप सभी को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि हम जा रहे हैं अपने जमशेदपुर से सुल्तानगंज। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इससे पहले कभी मोलवाम नहीं गया हूँ, तो ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है। तो अभी जल्दी से थोड़ा होते हैं फ्रेश और कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे, फिर निकलेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहना, और ये पार्ट टाइप में वीडियो आएगा, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तो बने रहना लास्ट तक। तो चलते हैं, बाद में मिलते हैं। सो फाइनली गाइस, अभी हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन और पूरा तैयार है भाई। देख लो, भगवा कलर का ड्रेस पहन चुके हैं और सामने में हमारे बड़े भैया हैं और एक जन अभी आ रहा है। देख लो, टाटा नगर स्टेशन, अभी हम टिकट कटाएंगे और निकलेंगे बस। तो वीडियो में बने रहो। गाइस, अभी हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और ट्रेन भी खुल चुका है और हमारे साथ में है विनीत भाई। इस ऊपर में सो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज है डे टू और अभी हम हैं क्यूएल जंक्शन में और यहां से सुल्तानगंज के लिए अभी ट्रेन पकड़ेंगे और अभी यहीं पे फ्रेश व्रेश होंगे, थोड़ा चाय नाश्ता दातों में भी करेंगे। और हमारा ट्रेन 6 नंबर में आएगा, ये तो 5 नंबर है, उस साइड 6 नंबर है। तो चलते हैं अभी इधर से। यहाँ पे देख रहे हो गाइस, सब बोल बम के लिए ही है, जितना गोल घुमा दो सब के सब इधर बोल बम का ही दिखेगा। और हम भी अभी यहाँ बैठे हुए हैं। तो गाइस, अभी हम बैठे हुए हैं क्यूएल स्टेशन में और हमारे साथ में है विनीत भाई। और रात में हम लोग सोए नहीं, मतलब सोए का नींद आया ही नहीं अच्छा से। कैसा लग रहा भाई? बहुत हरासमेंट हो गया भाई, हरासमेंट हो गया है बहुत ज़्यादा। ये भी रात में सोया नहीं है, तो रात में जागा ही था लगभग। हमने तो थोड़ा बहुत सोया भी है और अभी ट्रेन हमारा लेट भी है, 2 घंटा लेट है। तो अभी वेट कर रहा, सब इंतजार करना पड़ेगा भाई, सब देख लो, सब अभी इंतजार कर रहा। हम लोग का कुछ ज़्यादा ही टेंशन है क्या? यही है जूसर मशीन, देख लो फाइबर का है एकदम हल्का। 30 रुपया, मात्र 30 रुपया। सो फाइनली गाइस, हम आ चुके हैं सुल्तानगंज स्टेशन और ट्रेन से हमारा गाड़ी उतर चुका है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी और धूप तो बहुत ज़्यादा। अभी हम टेंट में खड़े हैं और हमारा विनीत भाई भी आ रहे हैं साथ में। गाइस, चलते चलते इतना धूप लग रहा और पैर तो ऐसा जल रहा है कि भाई बोले विनीत भाई पैर जल रहा है, बोलो पैर उठा उठा के चल रहा अभी से, क्या मतलब है? भाई धूप है, गर्म हो गया, हालत खराब हो रहा अभी से विनीत भाई का। स्टेशन में देखो भाई कितना भीड़ है सुल्तानगंज स्टेशन में। अभी हम यहाँ से पैदल चलेंगे, मेला जैसा लग रहा है यहाँ पे तो भीड़। आ गए हैं स्टेशन से बाहर और काफी धूप है, पीछे देख रहे होगे हमारे काफी भीड़ है यहाँ पे और मतलब रोड में ही चल रहा है पूरा, अगल बगल दुकान लगा हुआ और सब हमारे कांवर वाले भाई लोग ही दिख रहे हैं। अभी जल्दी से चलते हैं गंगा नदी में ना भाई, गंगा नदी जाएंगे और दर्शन करेंगे, नहाएंगे और संकल्प वंकल्प कराएंगे। तो वीडियो में बने रहना। भाई सभी हम इस शॉप में आ चुके हैं और अभी यहाँ पे हमने ये पीठ वाला लिया हुआ है, जिसको लोग पिट्ठू बम भी बोलते हैं। इसको आप पीठ में इस तरह से टांग के बैग टाइप में टांग के आप चलेंगे, तो हम वही लेंगे इस बारी। और गर्मी में तो हालत अभी भी ख़राब हो गया भाई, यही पूरा हालत ख़राब है, पसीना हो रहा है और उमस भी लग रहा है काफ़ी जोर। तो गाइस, हमने ले चुका है ये 2 पिट्ठू बम, जिसका दाम हमें 120 बोल रहे थे पर 100 रुपया पड़ा है, जिसके बाद हमने ऊपर से सिलाई भी कराया है। मतलब एक सिलाई पहले से था, फिर हमने एक और सिलाई कर दिया क्योंकि ये मजबूत रहेगा, रास्ता में टूटेगा नहीं। तो देख लो, हम होटल से खाना खा के बाहर आ चुके हैं और पेट काफ़ी भर गया है। हम तो बस एक ही चीज़ का
मांगे बस सोने का मन कर रहा है। नहीं सोएगा, रेडी हो चुका है काफी के, आ गया एनर्जी क्या बस, और रेडी है हम लोग। अब यहाँ से डायरेक्ट घाट जाएंगे और नहाएंगे, जल उठाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। देखो भाई क्या ही मस्त सजाया गया है, देख रहे हो। फाइनली हम आ चुके हैं घाट के पास और जस्ट हमारे बगल में ही नमामि गंगे घाट जो कि सुल्तानगंज का घाट है, देख रहे हो। अभी मस्त से यहाँ पे नहाया जाएगा और काफी मजा आएगा नहाने में, चलते हैं। बोल बम, देख लो भाई लोग कितना भीड़ है, सामने में ही जस्ट हमारे गंगा नदी, पानी तो बहुत ज्यादा ही है भाई, देख रहे हो कितना ज्यादा ही पानी है और भीड़ तो और भी ज्यादा। अभी आ चुके हैं हम नहाने के लिए भाई साहब, डर भी लग रहा है अचानक से कहीं सीढ़ी उड़ी ना आ जाए बोल के, फोन गिर जाएगा जमीन में और फोन फिर सत्यानाश हो जाएगा। महादेव भाई फर्स्ट एक ठीक लग रहा विजीत भाई को, वाह और भी एक सीढ़ी है क्या। और ये देखो सामने में क्या ही मस्त आया है, जाओ अबे नीचे एक सीढ़ी और है यार, ठीक है मार दो मार दो, हर हर महादेव। ए भाई यही है ना, कहाँ गया, निकलो बे बड़ी देरी हो गया, इतना लंबा लंबा डुबकी मार मारो छोटा का, चलो हम भी मार लेते हैं, पूरा शरीर अंदर करना पड़ेगा ना, हाथ बाहर नहीं रहेगा, तो पकड़ो फोन थोड़ा सा, चलो मार मार लंबा लंबा डुबकी मार, चलो एक लंबा डुबकी मारते हैं। हर महादेव जय हो महादेव, बैठ जा भाई राम घुस जा अंदर, नहीं घुस पा रहा ना अंदर, शरीर पूरा नहीं जा रहा, नहीं नहीं घुस जा अंदर घुस जा, पूरा नहीं घुस पा रहे हैं, पीठ नजर आ ही रहा ना, दो हो गया अभी, हाँ घुस जा निकल चुके हैं नहा के गंगा नदी से, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी चल चल के बुरा हाल हो रहा है, 10 किलोमीटर में ही ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ऐसा फील हो रहा है कि पैर छिल गया है। अभी हम असरगंज पहुंचने वाले हैं और भाई लोग काफ़ी चल रहे हैं, अभी भी हम अभी 3:30 बजने वाला है, मतलब हम वहाँ से निकल गए थे, कितना बजे निकल गए थे भाई सुल्तानगंज से, हम लोग 2 बजे हम लोग लगभग निकल गए थे और 3 बजने वाला, 1 घंटा में हमने 15 मिनट एक जगह बीच में विश्राम किया है और अभी भी यात्रा हमारी जा रही है, तो चलते हैं। ये देखो ये वाला कितना मस्त है, मोर पंख वाला है कंवर। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 और पैर में छाला पड़ गया और काफ़ी मुश्किल का सामना पड़ रहा है क्योंकि पैर के साइड साइड में भी छिल गया है और सीधे से चल नहीं पा रहा हूँ भाई, बहुत तकलीफ हो रहा है लेकिन चल रहा है भाई, धीरे धीरे चल रहे कंप्लीट कर रहे हैं। और पीछे देखो भक्त लोग भी हैं हमसे आगे निकलते जा रहे हैं, बट हार नहीं मानेंगे, ये तो day 1 है, अभी day 2 कल होगा और day 3 फिर संडे,
देखो क्या होता है। मंडे को हमारा लक्ष्य है कि जल चढ़ा दे, सुबह सुबह चलते हैं। जल जल के हालत ख़राब हो चुका है, तो थोड़ा सा रेस्ट लियो और लेटे हुए हैं अभी। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का रेस्ट है ये, जल्द फिर चलेंगे। असली ट्रैकिंग तो ये हो रहा है भाई, दलमा पहाड़ तो कुछ भी नहीं था। आज ट्रैकिंग का मतलब समझ आ रहा, पैर छिल रहा अलग, चलने पे छाला पड़ रहा अलग, और सर दर्द तो बोलो ही बात सब तरफ से है। पर कोई नहीं, बोल बम बोलते रहना और चलते रहना, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या होगा, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं। गाइस यहाँ पे एक मशीन है जो हमारे पैरों को वाइब्रेटिंग मोड में रखा है, देख लो ये मशीन है, और यहाँ पे पैरों को पूरा वाइब्रेट कर रहा हमारे। गाइस अभी रात के 10:30 बजे बारिश हो रहा, मतलब पूरा धूप में हम लोग दिन भर चले हैं और रात में 10:30 बजे बारिश, कोई मतलब है इस बारिश का बताओ। अभी बज रहे हैं रात की 11 और अभी हम जा रहे खा पी के सोने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।